हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। ये भी आपको एक डेमो वीडियो मिल जाएगा एज डेमो लेक्चर। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है? अगर आप इसको एनटी का जो फुल कोर्स है वो परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स मिल जाएंगी, जहां पे आपको मेरी वेबसाइट की लिंक भी मिलेगी एंड सेपरेटली एनटी कोर्स की, कॉन्स्टेबल कोर्स की, पटवारी मॉक टेस्ट की एंड जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट की सेपरेट लिस्ट मिल जाएंगी। वहां से आप जाके फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग का जो हमारा वीडियो था, उसमें हमने सोर्स ऑफ कश्मीर जो है, हमें कश्मीर के बारे में जहां से भी पता चलता है, जो भी सोर्सेज हैं, चाहे वो बुक्स लिखी हो या ट्रेवलर्स हो, पहले हमने वो सारी पढ़ी। आगे हम जम्मू के सोर्सेज देखेंगे, वो ज्यादा नहीं है क्योंकि जम्मू के बारे में ज्यादा लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका जानना जरूरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर वील मूव ऑन टू द हिंदू रूलर्स ऑफ कश्मीर, ठीक है? उनकी जो वेरियस डायनेस्टीज हैं एंड उनका जो टाइम लाइन है वो हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा कवर हो गया सोर्सेज ऑफ जम्मू एंड सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री पर्शियन एंड ऑल, ये भी हमारा हो गया। देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सोर्सेज ऑफ जम्मू हिस्ट्री, ठीक है? तो डू वॉच दी लेक्चर टिल दी एंड, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप एनटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप केएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो पहला जो हिस्टोरिकल मेंशन है जम्मू का, उस हिस्टोरिकल मेंशन के अकॉर्डिंग जम्मू का नाम बोला गया था मद्र देश, ठीक है? एंड ये मद्र देश जो है, इसका हेडक्वार्टर्स था एट सकाला और शालकोट, दैट इज योर प्रेजेंट डे सियालकोट, विच इज ओनली 26 माइल्स टू द साउथ ऑफ जम्मू। फाइन, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या नाम था पहले जम्मू का अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, क्या नाम मेंशन किया गया था? मद्र देश। एंड इसका हेडक्वार्टर था सियालकोट में, ठीक? अब हम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो एक्सकेवेशन हुई है जम्मू की अलग अलग जगहों पे, जो वहां से हमें टूल्स मिले हैं, वो टूल्स हमें बताते हैं कि जो वो जगह थी वो हिस्ट्री के किस एरिया का पार्ट था, वो हिस्ट्री के किस एरा का पार्ट था, सॉरी, क्या वो पैलियोलिथिक टाइम का था, मिजोलिथिक टाइम का था या नियोलिथिक टाइम का था, ठीक है? ये पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा ये बताती हूँ। बेसिकली जो एंशंट हिस्ट्री है उसमें एक पार्ट आता है प्री हिस्टोरिक एज ऑफ इंडिया, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है? तो प्री हिस्टोरिक एज वो वाली एज है जहां का कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं है, दैट मीन्स रिटन फॉर्मेट में उसके बारे में कोई हमारे पास एविडेंस प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ कौन सा एविडेंस प्रेजेंट है? ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है? इसी प्री हिस्टोरिक एज ऑफ इंडिया को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है? जैसे जो कश्मीर, श्रीनगर में हमने साइट्स देखी, वहां जो एक्सकेवेशन हुई एंड टूल्स जो डिस्कवर हुए वो हमें बताते हैं कश्मीर का वो वाला एरिया, जैसे बुरजहामा वगैरह, वो नियोलिथिक एज का पार्ट था, ठीक है? एंड जो जम्मू में एक्सकेवेशन हुई, जो वहां के टूल्स हमें मिले, तो जो ये तीन एजेस में डिवाइड किया गया है प्री हिस्ट्री को, ये एक्चुअली है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोन टूल्स जो वहां से हमें मिले हैं। जो पेलियोलिथिक के है उसके स्टोन टूल्स अलग हैं, फिर थोड़ी डेवलपमेंट हुई तो मेजोलिथिक के स्टोन टूल्स हमारे सामने आए, ठीक है? ये टूल्स को थोड़ा पॉलिश फॉर्मेट में हमने देखा, फिर नियोलिथिक में ज्यादा अच्छी तरीके से हमें पॉलिश टूल्स मिलते हैं, ठीक है? जैसे जैसे हम आगे आगे हिस्ट्री में गए, वैसे ही जो टूल्स का फिनिशिंग वगैरह है वो अच्छा होता गया। तो पैलियोलिथिक है, इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, मीजोलिथिक को हम लेटर स्टोन एज बोलते हैं एंड नियोलिथिक को हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है? जैसे श्रीनगर नियोलिथिक साइट्स जो है वहां से मिली, वैसे ही जो जम्मू में एक्सकेवेशन हुई हैं, वहां से जो टूल्स मिले हैं उनसे हमें ये पता चलता है जम्मू वो पैलियोलिथिक एज को बिलोंग करती हैं, ठीक है? तो पैलियोलिथिक हम ट्रेस करते हैं 5 लाख टू 10,000 BC, फिर मिजोलिथिक 10,000 टू 7,000 BC एंड नियोलिथिक है आपका 7,000 टू 4,000 BC, ठीक है? तो जम्मू हमें कहाँ से मिलता है? जम्मू, जम्मू में हमें कौन सी साइट्स मिलती हैं? पैलियोलिथिक। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, पहले ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन, जो भी एक्सकेवेशन जम्मू कठुआ उधमपुर में हुई है एंड वहां से जो टूल्स मिले हैं, पता चलता है कि दे बिलोंग टू द अर्ली मैन, ठीक है? जो आपके पैलियोलिथिक का टाइम है।
दीज टूल्स आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन वैली ऑफ सोहन रिवर इन वेस्टर्न पंजाब एंड रावलपिंडी. ठीक है, तो रावलपिंडी एंड पंजाब में जो टूल्स मिले हैं, वो जो हमें जम्मू में मिले हैं, वो सिमिलर हैं टू द टूल्स फाउंड इन वेस्टर्न पंजाब नियर रावलपिंडी, कहाँ पे, वैली ऑफ सोहन रिवर में. और जो लखनपुर है, वहां पे कुछ साइट्स मिली हैं हमें प्लीस्टोसीन एज की. तो प्लीस्टोसीन एज आपकी आइस एज है. ठीक है, यहाँ पे उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो हम ज्योग्राफी, अगर हमारे सिलेबस में ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट होगा, तो वो एजेस हम वहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड और कुछ साइट्स है जहां पे एक्सकेवेशन हुई इन सांबा एरिया. सम साइट्स एट नंदी मनानू पेथ दयालचक हैव बीन डिस्कवर्ड विच यील्डेड पेलियोलिथिक दैट इज अर्ली स्टोन एज लाइक बायफेशियल हैंड एक्स यूनिफेशियल चॉपर्स स्क्रेपर्स डिस्कॉइड्स एंड फ्लेक्स. ठीक है, तो ये कुछ टाइप के टूल्स हैं जो वहां पे मिले. बाइफेशियल हैंड एक्सेस, जिसके दोनों दो फेसेस होंगे एक्स के. यूनिफेशियल चॉपर्स, वो चॉपर होगा एक ही फेस वाला. स्क्रैपर्स होते हैं जो स्टोन टूल्स के बने होते हैं. डिस्कॉइड एंड फ्लेक्स, डिस्कॉइड होता है जो आपका हाफ मून शेप या फुल सर्कल शेप का टूल होता है. एंड फ्लेक होता है बेसिकली उसको बनाने का एक तरीका होता है. जैसे आपके पास एक स्टोन होगा, उसके ऊपर आप हैमर करोगे दूसरे स्टोन से या दूसरे किसी चीज से आप हैमरिंग करोगे, तो उस स्टोन से कुछ फ्लेक्स अलग हो जाएंगी, वो शार्प फ्लेक्स होंगी. ठीक है, तो वो फ्लेक्स भी हमें सांबा की कुछ साइट्स में मिली. फिर सदर्न स्लोप्स ऑफ द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, पर्टिकुलरली ऑन द बैंक्स ऑफ गांबर घाट नियर द विलेज ऑफ किशनपुर नगरोटा, ठीक है, यील्डेड अ फ्यू अर्ली स्टोन एज टूल्स ऑफ द काइंड. तो आपको इसमें क्या करना है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको साइट्स के नाम याद रखने हैं एंड किस टाइप के टूल्स वहां पे मिले एंड कौन सी एज को वो एरिया बिलोंग करते थे. ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन बोलो या एक्सकेवेशन जो भी हुई है, इससे हमें ये पता चलता है जो ये अर्ली स्टोन एज है, ये जम्मू में स्कैटर्ड थी. किस एरिया में फैली हुई थी अर्ली स्टोन एज? उस एरिया में जो लाई करता है बिटवीन रिवर रावी एंड चनाब. तो ये जो पैलियोलिथिक थी अर्ली स्टोन एज, ये कहाँ पे फैली हुई थी? रवि एंड चनाब के बीच वाला जो एरिया था, ये सारा किसका था? अर्ली स्टोन एज का, जम्मू में. ठीक है, तो कुछ बुक्स हैं यहाँ पे, ये जनरल बुक्स हैं जिसमें इंडिया का जिक्र हुआ है एंशियंट टाइम का, तो उसमें भी हमें जम्मू का जो है देखने का, जम्मू की ज्योग्राफी जो है उसका कुछ एरिया देखने को मिलेगा. उसके बाद ये बुक्स देख लो, सर ए कनिंगहम द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, तो जम्मू का जिक्र भी यहाँ पे हुआ होगा. ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया बाय एनएल देव, ज्योग्राफी ऑफ पुरानास बाय एसएम अली, डीसी सरकार स्टडीज इन द ज्योग्राफी ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया. ठीक है, ये सारे नाम आप याद रखोगे. देर आर मेनी अदर वर्क रिटन बाय द ऑथर्स विच थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ डोगराज ऑफ जम्मू. फाइन, तो डोगराज ऑफ जम्मू के बारे में और बुक्स जो है वो लिखी गई, और किन्ने लिखी, ये लास्ट स्लाइड रहेगी सोर्सेज वाले चैप्टर की, तो यहाँ से आप देख सकते हो. गणेश दास वदेरा, इन्होंने लिखी है तवारीख ही रख जने जम्मू. तवारीख ही जम्मू दो लोगों ने लिखी है, मतलब दो बुक्स हैं ये सेम नाम की, एक हशमतुल्ला खान ने लिखी है, एक ठाकुर कंत सिंह ने लिखी है. तवारीख ही डोगरा देश लिखी है नरसिंह दास नरगिस ने, एंड गुलाबनामा इज रिटन इन पर्शियन बाय दीवान कृपा राव. ठीक है, तो ये सारे जो सोर्सेज है, ये किसके सोर्सेज हैं आपके? जम्मू सिटी के, जम्मू के, जम्मू एरिया के. ठीक है, तो दिस कम्प्लीट्स योर सोर्सेज. अब हम विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे जो हिंदू रूल रहा है कश्मीर में, वो डायनेस्टीज डिस्कस करेंगे, फिर वो कैसे खत्म हुआ, एंड मुस्लिम रूल जो है वो किन रूलर्स से स्टार्ट हुआ, जो सल्तनत यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी वो कौन से वाले रूलर्स जो है वो लेके आए थे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे. तो इसमें हम क्रोनोलॉजिकली चलेंगे, जहां पे हम डायनेस्टी जो भी यहाँ के हिंदू रही हैं वो डिस्कस करेंगे. उससे पहले थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. कल्हाना की जो राज तरंगिनी है, मैंने पहले भी आपको कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसने कश्मीर के बारे में लिखा है. इसके अकॉर्डिंग भी जो कश्मीर है, ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री जो है, इसने एग्जिस्ट किया है फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, दैट मीन पहले से ही ये किसी एक किंगडम का पार्ट नहीं थी, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी. ठीक है, एंड कल्हाना की जो राज तरंगिनी है, इट गोज ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स बैक टू डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ कश्मीर. उन्होंने इसको किस एरा से ट्रेस किया है? उन्होंने इसको ट्रेस किया है फ्रॉम द टाइम ऑफ गुनांडा वन. दैट मीन जो पहली डायनेस्टी हम यहाँ देखेंगे वो होगी गुनांडा डायनेस्टी. और हम वो क्यों देखेंगे? क्योंकि कल्हाना की राज तरंगिनी ने गुनांडा डायनेस्टी से ही किंगडम ऑफ कश्मीर को ट्रेस किया है. ठीक है, ऑल दो स्टार्टिंग की कुछ डायनेस्टीज हैं जो अप टू 7th सेंचुरी, वो हमें डिटेल में नहीं देखनी है, क्योंकि उनकी डिटेलिंग जो है हमारे पास हिस्टोरियंस ने हमें प्रेजेंट नहीं की है. ठीक है, 7th सेंचुरी से ही क्यों है वो हम
आगे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो ये मेडिवल टाइम है, मेडिवल टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं कश्मीर का। आपको पता है जो एंशंट, जो हमारी हिस्ट्री है टोटल, उसको हम डिवाइड करते हैं एंशंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो जो आपका मेडिवल टाइम है वो ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेडिवल टाइम जो है यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कश्मीर का। फिर कल्हाना राजतरंगिणी और टॉलमी की जो ज्योग्राफी थी उनमें भी आपको रेफरेंसेस टू कश्मीर मिलेंगे। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा, टॉलमी की ज्योग्राफी यहाँ पे क्यों मैंने दोबारा मेंशन किया है, यहाँ पे नाम देख लो, ही कॉल्स द रीजन कैस्पेरिया। ऑल्दो उनको काफी इस बात पे क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि उन्होंने काफी लार्ज एरिया जो है वो एट्रीब्यूट किया था कश्मीर को, कश्मीर जो एक्चुअली है उससे काफी ज्यादा बड़ी पिक्चर प्रेजेंट की थी, बट ननथलेस इनकी राइटिंग्स में भी कश्मीर का मेंशन है, इसीलिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ग्रीक्स के बाद इज द मेंशन ऑफ कश्मीर, जैसे पहले टॉलमी हो गए, उसके बाद कश्मीर का मेंशन किया था चाइनीज रिकॉर्ड्स में। तो बेसिकली एडी 1541 में क्या हुआ था, एक एनवॉय गए थे, इंडिया के एनवॉय वो गए थे चाइना, जब चाइना में चल रही थी टैंग डायनेस्टी, तो वहां पे उन्होंने जिक्र किया होगा कश्मीर, इंडिया के अलग अलग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स का, तो वहां पे कश्मीर की भी बात आई। तो इनके यहाँ आने के 90 ईयर्स के बाद एक बहुत आप बोलो इम्पोर्टेंट ट्रैवलर जो है, जिन्होंने काफी अच्छा रिकॉर्ड प्रेजेंट किया है इंडिया का एंड कश्मीर का स्पेसिफिकली, वो इंडिया आए एंड उनका नाम था ह्यून सैंग। ये चाइनीज ट्रैवलर थे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे बुद्धिज्म स्टडी करने आए थे, लेकिन जब यहाँ पे आए कश्मीर भी आए, 2 साल यहाँ रहे, 15 साल इंडिया में रहे, तो इन्होंने कश्मीर के बारे में काफी बातें कही। मैंने आपको बोला कि हमें अच्छा खासा रिकॉर्ड कश्मीर हिस्ट्री का 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स देखने को मिलता है, वो इस वजह से मिलता है क्योंकि जो ह्यून सैंग है वो 7th सेंचुरी में कश्मीर में आए थे, ठीक है। 7th सेंचुरी, तो 7th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स जो भी डायनेस्टी यहाँ पे थी उसको हमें डिटेल में पढ़ना है, फाइन। तो ये देख लो यहाँ पे यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। 90 ईयर्स आफ्टर दिस फर्स्ट मेंशन ऑफ कश्मीर इन चाइनीज रिकॉर्ड्स, ह्यून सांग जो है विजिटेड द वैली एंड स्टेड हियर एज एन ऑनर्ड गेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चाइनीज कश्मीर को कैसे डिस्क्राइब करते थे, आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे ही खुश हो जाओ कश्मीर के बारे में लोगों ने क्या बोला है। अब जो ह्यून सैंग है ये कश्मीर आए थे थ्रू द वैली ऑफ वितास्ता, विच इज नथिंग बट द संस्कृत नेम फॉर योर रिवर जेहलम। तो वहां से कश्मीर एंटर हुए थे, एंड इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इन्होंने कश्मीर को अपनी राइटिंग्स में बोला था क्या शिमिलो, ठीक है। वो डिस्क्राइब किया था कंट्री को, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय वेरी हाई माउंटेन्स विच हैव वेरी नैरो एंड कॉन्ट्रैक्टेड पासेस फॉर द एंट्री, ठीक है। तो ये जो नोट्स है ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट से पे ही मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो ह्यून सैंग है, युआन चांग भी ऐसे भी इनको लिखा जा सकता है, तो अगर एग्जाम में ह्यून सैंग नहीं और युआन चांग लिखा होगा आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो इंडिया में उस टाइम पे कौन सा चल रहा था, किनकी हुकूमत चल रही थी, किंग हर्षवर्धन की, ठीक है। ही वॉज अराइविंग इन 630 AD, ही अराइव्ड इन 630 AD एंड स्टेड इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स, एंड यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया हिनायना एंड महायना सेक्ट जो है बुद्धिज्म के, ठीक है, इन मोनेस्ट्री सच एज कश्मीर, सियालकोट, कनौज एंड नालंदा। तो ये सारी चीजें आपको ह्यून सैंग से रिलेटेड याद रखनी है। 7th सेंचुरी में आए थे, तब इंडिया में रूल किनका था, किंग हर्षवर्धन का था, 15 ईयर्स के लिए यहाँ पे रहे एंड स्टडी करने आए थे, बेसिकली आपके जो बुद्धिज्म है उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पे आए थे, फाइन। तो वो 7th सेंचुरी में आए थे, इसलिए 7th सेंचुरी ऑनवर्ड जो भी यहाँ पे रूल हुआ है डायनेस्टीज का वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम ट्रेस करते हैं गोनांडा वन से, जो कल्हाना ने राजतरंगिणी में गोनांडा डायनेस्टी से ट्रेस किया है किंगडम कश्मीर को, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है। निलमत पुराना जो पहला रिकॉर्ड है आपका कश्मीर का, उन्होंने कहा गोनांडा वन जो थे फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर का नाम क्या था, गोनांडा वन। जो गोनांडा डायनेस्टी है एंडेड कैसे एंड हुई थी, ये एक किंग थे पांडवा डायनेस्टी के जिनका नाम था प्रक्षित, ठीक है। उन्होंने मारा था गोनांडा को एंड खुद जो है पांडवा डायनेस्टी को नेक्स्ट डायनेस्टी ऑफ कश्मीर एस्टेब्लिश किया था। तो ये यहाँ से टाइमलाइन है, ये आप थोड़ा बहुत इसका आइडिया रख लोगे,
ठीक है, ये आपको यहाँ से लर्न करनी है खुद से। फिर पांडवा डायनेस्टी जो है रूल, इन्होंने कश्मीर को रूल किया आफ्टर गोनांडा टू, ठीक है, क्योंकि गोनांडा टू को किसने मारा था, प्रक्षित ने, जो किंग किसके थे, पल्लवा डायनेस्टी के थे। हर्णदेव जो थे वॉज द फर्स्ट एंड भगवंत जो थे वो लास्ट रूलर थे ऑफ द पांडवा डायनेस्टी, एंड यहाँ से इसकी टाइम लाइन आप देख सकते हो। जो मौर्यन एम्पायर थी हैज बीन असेस्ड टू हैव रूल्ड ओवर द वैली ऑफ कश्मीर फ्रॉम 272 टू 232 BCE। तो जो अशोका थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बेसिकली अपने बुद्धिस्ट काफी लोग भेजे थे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, तो काफी एरिया जो है अशोका ने वो कवर किया था। एंड आपका जो कैपिटल है श्रीनगर, इसको भी इस्टेब्लिश किसने किया है, अशोका ने। तो अशोका काफी इंपॉर्टेंट रूलर जो है कश्मीर के वो काउंट होते हैं। अब देखो, लेकिन इस बात पे भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया है, कई हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है, जो अशोका कश्मीर में रूल करते थे वो मौर्यन एम्पायर के नहीं थे, लेकिन वो गुनांडा डायनेस्टी के थे, काफी हिस्टोरियंस ने ये भी लिखा है। लेकिन हमें क्या देखना है कि ज्यादा जो है सही और ज्यादा जो है सोर्सेज वो क्या बोलते हैं। तो ज्यादा सोर्सेज ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया एंड कहा कि नहीं, जो अशोका थे वो मौर्यन एम्पायर के ही थे और ना कि गुनांडा के, ठीक है। तो दुर्लभवर्धन वॉज द फाउंडर ऑफ द करकोटा डायनेस्टी, तो मौर्य के बाद आई करकोटा डायनेस्टी। द पीरियड ऑफ करकोटा डायनेस्टी विटनेस्ड पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ललित आदित्य वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। तो आगे की स्लाइड्स में हम करकोटिया डायनेस्टी से थोड़ा क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आपको इंपॉर्टेंट रूलर्स देखने हैं, क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने चीजें लाई थी, एंड उनके कोर्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे, उनके थोड़े बहुत नाम भी हम इसमें देखेंगे। एंड टाइमलाइन देख लो, 625 AD टू 855 AD, विच इज सेवेंथ सेंचुरी। तो सेवेंथ सेंचुरी कौन सा टाइम है आपका, करकोटिया डायनेस्टी। तो इससे आपको एक और चीज भी क्लियर होती है, कश्मीर में उस टाइम पे किसकी डायनेस्टी चल रही थी जब ह्यूनसांग आए थे, करकोटा डायनेस्टी, ठीक है। इसीलिए करकोटा डायनेस्टी के आगे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। करकोटा के बाद आगे उत्पला वॉज ए कश्मीरी किंगडम विच रूल्ड ओवर द कश्मीर रीजन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट 9th to 10th century में। एंड जो इनकी किंगडम थी किसने एस्टेब्लिश की थी, बाय अवंती वर्मन, ये भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिर लास्ट की है आपकी लोहारा डायनेस्टी, वो भी हमें आगे देखना है। अब ये देख लो, जो कश्मीर था इट वॉज पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर 4th century में, 4th century 3 to 4th, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है, ये एक्यूरेट नहीं है 4th century। तो एक परफेक्ट टाइमलाइन नहीं होता है, 3rd to 4th century के बीच में जो अशोकन एम्पायर है वो कश्मीर में रूल कर रही थी, मौर्यन एम्पायर अंडर द रूल ऑफ एम्परर अशोका। इन्होंने अपना डोमेन एक्सपैंड किया और इनकॉर्पोरेट किया कश्मीर को भी इनटू इट्स वास्ट रियल्म, ठीक है। तो जब कश्मीर पार्ट बना मौर्यन एम्पायर का, तब मौर्य जो एम्पायर है किसके अंडर थी, अंडर अशोका, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द रीजन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ हिज इन्फ्लुएंस एंड एफर्ट्स टू प्रोपगेट बुद्धिज्म। जैसे मैंने कहा, मेजरली इन्होंने यहाँ पे बुद्धिज्म स्प्रेड करने का काम किया था, एंड उसके चलते कुछ एनवॉइस वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे सेंड किए थे, जो इंपॉर्टेंट नाम है वो हम आगे देखेंगे। द एंशियंट टेक्स्ट राज तरंगिनी ऑल्सो मेंशंस अ किंग नेम्ड अशोका हु वॉज बॉर्न इन कश्मीर बट हूज लाइफ स्टोरी स्ट्राइकिंगली रिजेंबल्स दैट ऑफ मौर्यन किंग अशोक, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है डिस्क्राइब करता है सिटी ऑफ श्रीनगर को, जिसका मतलब है सिटी ऑफ लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये कब बनी थी, ड्यूरिंग अशोकाज रेन। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि श्रीनगर बिल्ट हुई थी किसके रेन में, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको पता होना चाहिए इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग अशोकाज रेन। अशोक मौर्य जो है इज क्रेडिटेड विद द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ श्रीनगर, ठीक। अरहत मजंतिका जो है ऑल्सो नोन एज मध्यंतिका, ये एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे वाराणसी के, जिनको भेजा गया था अशोका के थ्रू कश्मीर में एंड गंदारा में, जो आपका नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वाला एरिया है। तो अशोका ने अरहत मजंतिका को कश्मीर और गंदारा भेजा था, किस लिए, प्रोपगेट करने के लिए बुद्धिज्म को, ठीक है। तो अरहत मजंतिका किसके रीन में आए थे, अशोका के, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अशोका हिज वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज सन जालुका, जिसका कुछ इंपॉर्टेंट खास हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं है। एंड उसके बाद रूल किया था जालुका के बाद किंग दामोदरा सेकेंड ने, एंड इन्होंने क्या किया था, ही रिवाइव्ड हिंदुइज्म अगेन। और इन ये कहाँ रहते थे, ये रहते थे उस एरिया में जो करंटली है आपका श्रीनगर एयरपोर्ट वाला एरिया, ठीक है, वहां पे ये रहते थे। एंड इन्होंने रिवाइव किया हिंदुइज्म को फिर से, क्योंकि कश्मीर में क्या हुआ था, बुद्धिज्म जो है वो फैल रहा था। आगे देखते हैं, जब मौर्यन एम्पायर खत्म हुई इंडिया में, तो मौर्यन एम्पायर के बाद स्टार्ट होती है हमारी कुषाण एम्पायर, ठीक है, लेड बाय द एम्परर कनिष्क।
फर्स्ट सेंचुरी सीई में हमारे कनिष्का की एम्पायर इंडिया में स्टार्ट होती है एंड सब्सिक्वेंटली कश्मीर में भी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, अभी मैंने आपको थर्ड सेंचुरी का मैं आपको बोल रही, थर्ड सेंचुरी के बाद फर्स्ट सेंचुरी फिर से आया। तो बेसिकली मौर्यन टाइम इज योर थर्ड सेंचुरी बीसीई बिफोर कॉमन एरा। तो 301 के बाद आगे चल के टाइम 4 नहीं आता, 201 बीसीई आएगा बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद आपका फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा, फर्स्ट सेंचुरी सीई स्टार्ट होगा। तो मौर्यन के बाद कौन आए थे यहाँ पे? कुशान सन, कश्मीर में भी कुशान आए। जो कुशान के किंग थे कनिष्का, ही वॉज अ वेरी ग्रेट पेट्रन ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन। तो कश्मीर में भी उन्होंने यही किया, कश्मीर में भी उन्होंने बुद्धिज्म स्प्रेड करने की कोशिश की। एंड इनफैक्ट कश्मीर बिकेम अ सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, अट्रैक्टिंग स्कॉलर्स एंड मॉन्क्स फ्रॉम फार एंड वाइड। ठीक है, तो हमें पता है बुद्धिज्म की कुछ काउंसिल्स हुई थी, जो इसकी लास्ट काउंसिल थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कश्मीर में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, कुंडलवना में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चीज हुई थी, बुद्धिज्म को डिवाइड किया गया था दो सेक्ट्स में, एक है हिनायना एंड एक है आपका महायना। ठीक है, महायना वो हुए जो बुद्ध लॉर्ड बुद्धा पे बिलीव करते थे एंड आइडल वर्शिप करते थे, एंड हिनायना थे जो सेल्फ राइचियसनेस उस पे ध्यान देते थे, अपनी इंडिविजुअल सेल्वेशन पे। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना बुद्धिज्म, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया कि कुंडलवाना कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी एंड वहां पे बुद्धिज्म को दो सेक्ट में डिवाइड किया गया था, महायाना एंड हिनायना। एंड ये जो काउंसिल थे किसके अंडर हुई थी? कुशान किंग कनिष्का, प्रेसिडेंट थे काउंसिल के वासुमित्रा एंड इनके डेप्यूटी थे अश्वघोषा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर डिक्लाइन ऑफ कुशान एम्पायर हो गया, उसके बाद कौन सी आई? यहाँ पे गुप्ता रूल आ गया, एंड गुप्ता रूल के अंडर क्या हमने देखा? वी विटनेस द राइज ऑफ शेविज्म। दैट मीन जो हिंदुइज्म का सेक्ट है शेविज्म, वो राइज होने लगा एंड बुद्धिज्म फिर से यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, जब डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर हुआ 6th सेंचुरी में, तो लोकल रूलर्स एंड रीजनल किंगडम्स थे, दे स्टार्टेड इमर्जिंग वाइंग फॉर कंट्रोल ओवर द रीजन। ठीक है, गुप्ता एम्पायर जो थे, गुप्ता आपने पढ़ा होगा अगर इंडियन हिस्ट्री में, गोल्डन एज ऑफ गुप्ता कहा जाता है, काफी बड़ी एम्पायर थी, ऑलमोस्ट सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट उनके अंडर आ गया था। इसके बाद जब गुप्ता के इंपॉर्टेंट रूलर्स जो हैं वो मर गए, फिर जो लेटर रूलर्स थे वो वीक थे एंड साथ में जो किंगडम है डिसइंटीग्रेट होने लगी। ठीक है, एंड रीजनल किंगडम्स जो है, अलग अलग रीजन जो है वो एज किंगडम्स इमर्ज होने लगे। उसमें आते हैं आपके करकोटा डायनेस्टी एंड उत्पला डायनेस्टी एंड लास्टली लोहारा डायनेस्टी। तो तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जो हमें पढ़नी है, जिनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हम डिस्कस करेंगे, जो आपके कश्मीर हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड आपके एग्जाम का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद करकोटा डायनेस्टी। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री की करकोटा डायनेस्टी की, वो हमें मिलती है कल्हाना की राज तरंगिनी में। ठीक है, 7th सेंचुरी AD विटनेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डायनेस्टी कॉल्ड करकोटा, हुज फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय दुर्गवर्धना। और जो करकोटा के मोस्ट फेमस रूलर थे उनका नाम था ललित आदित्य मुक्तापन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे, इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्होंने अनंतनाग का जो फेमस सन टेम्पल है मार्तंड, वो भी बनाया हुआ है। ठीक है, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाय ललित आदित्य मुक्तापित। तो पहले आप यहाँ पे छोटा फ्लो चार्ट देख लो, करकोटा डायनेस्टी फाउंडिंग स्टोन ले किसने किया था? दुर्लभ वर्धना ने। इनके बेटे थे दुर्लभका, दुर्लभका के तीन बेटे थे, चंद्रपिता, तारापिता एंड मुक्तपिता। एंड हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? ललित आदित्य मुक्तपिता। तो इन्होंने काफी रिफॉर्मेशन कश्मीर में लाए थे, इन कश्मीर को काफी टाइम के लिए इन्होंने रूल किया था। तो हम थोड़ा डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ललित आदित्य मुक्तपिता जो है बिलोंग टू करकोटा डायनेस्टी, कश्मीरी किंग थे ये। ठीक है, द 12th सेंचुरी क्रॉनिकलर कल्हाना जो है उन्होंने कैरेक्टराइज किया है ललित आदित्य को एज वर्ल्ड कॉन्करर। तो क्योंकि काफी एरिया इनके अंडर था, काफी कॉन्केस्ट जो है इन्होंने किए थे, इसीलिए इनको कभी कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी कंपेयर किया जाता था एंड वर्ल्ड कॉन्करर भी इनको बोला जाता था। ठीक है, ललित आदित्य इज सेलिब्रेटेड इन हिस्ट्री नॉट जस्ट फॉर हिज प्रोविस एज अ ग्रेट जनरल। सिर्फ ये एक ग्रेट जनरल नहीं थे, लेकिन एक एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। लिटरेचर का काम भी इन्होंने काफी किया था एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी इन्होंने ध्यान दिया था। जैसे मैंने आपको कहा, मार्तंड स्वर्ण टेम्पल जो है वो इन्होंने ही बिल्ट करवाया था अपनी रीन। ठीक है, तो अब ललित आदित्य ने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे यहाँ पे, पहले इनके कॉन्केस्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट हमें डिटेल में इनके कॉन्केस्ट सारे नहीं पढ़ने, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए किस किस एरिया को इन्होंने कॉन्कर किया था। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है, इट इज द कॉन्केस्ट ऑफ कनौज विच वॉज रूल्ड बाय द एम्बिशियस यशोवर्मन। ठीक है, एंड जो इन्फॉर्मेशन है पर्टेनिंग टू दिस कॉन्केस्ट, ये हमें मिलती है राज तरंगिनी से। ऑल्सो ये हमें मिलती है गोदावाहो कंपोज बाय वक्पते राजा, द कोर्ट पोएट ऑफ यशोवर्मन।
अब देखो यहाँ पे आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो कनौज का जो कॉन्केस्ट है वो हमें कल्हाना की राज तरंगिणी से पता चलता है। सेकेंड वो हमें और एक वर्क से पता चलता है जिसका नाम है गोडावाहो। तो एग्जाम में अगर आएगा आपको गोडावाहो किस किंग के कॉन्केस्ट को सेलिब्रेट करता है, वो सेलिब्रेट करता है ललित आदित्य मुक्तापिता के कॉन्केस्ट को। एंड इसको कंपोज किया था एक पॉएट ने जो कि कोर्ट पॉएट थे यशोवर्मन के, किंग ऑफ कनौज। एंड उस कोर्ट पॉएट का नाम था वक्त पते राजा। ठीक है, और क्या क्या इन्होंने किया था? कंकेस्ट ऑफ बिहार, गोडा एंड कलिंगा। गोडा इज वेस्ट बंगाल का एरिया। कंकेस्ट ऑफ डेक्कन, दैट इज साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। एंड कंकेस्ट ऑफ तिब्बत इन सेंट्रल एशिया। तो काफी एक्सपैंड किया था अपने किंगडम को, एंड काफी एरिया जो है अपने इस एक्सपैंस में उन्होंने इंक्लूड किया था। कल्हाना के अकॉर्डिंग ललित आदित्य इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड दी हाई लैंड, हाई प्लेट्यू लैंड नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ कश्मीर एंड सब्ड्यूड दी लोकल नोमैडिक ट्राइब्स। तो लोकल नोमैडिक ट्राइब्स जो है उनके साथ उनकी लड़ाई रही, उनको उन्होंने सब्जुगेट किया, सब्ड्यू किया। एंड जो हाई प्लेट्यू लैंड है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ऑफ कश्मीर का, दैट इज अ टिबेटन एरिया। ठीक है, उसको भी इन्होंने कंकर किया। लेकिन ललित आदित्य मुक्तापिता को सेलिब्रेट भी किया जाता है। लोग जो है इनसे काफी इम्प्रेस और इंस्पायर्ड थे, इनको काफी मानते भी थे। एंड अकॉर्डिंगली अल बरूनी, जिसको हमने सोर्सेज में डिस्कस किया है, तो किस टाइम पे आए थे अल बरूनी यहाँ पे इंडिया में, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज बताई है। अल बरूनी ने हमें कहा था कि जो लोग थे कश्मीर के, वो सेलिब्रेट करते थे एक फेस्टिवल ऑन द सेकेंड डे ऑफ चैत्र मार्च एवरी ईयर। वो किस लिए सेलिब्रेट करते थे? विक्ट्री के लिए जो मुक्तपिता को मिली थी अगेंस्ट टर्क्स। तो क्या मेंशन है अलबरूनी के टेक्स्ट में? मुत्तई, मुत्तई है आपके ललित आदित्य मुक्तपिता ओवर टर्क्स। इनको जो विक्ट्री मिली थी, उस विक्ट्री की सेलिब्रेशन के लिए मार्च का सेकेंड डे ऑफ चैत्र, चैत्र मीन्स मार्च, एवरी ईयर लोग सेलिब्रेट करते थे। दैट मीन जो इनके कॉन्क्वेस्ट वगैरह थे उससे लोग खुश भी थे। ऑल्दो इसका क्रिटिसिज्म भी हिस्टोरियंस ने किया है कि बोला जाता है कल्हाना ने अपनी राज तरंगिणी में कुछ एक्सेस ही लिखा था मुक्तपिता का, इतने ज्यादा ये बहादुर नहीं थे जितना इनको एक्सप्लेन किया गया। खैर, जो हमारे कल्हाना ने लिखा है वो हमें पता होना चाहिए। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आफ्टर बिकमिंग द किंग ऑफ कश्मीर, ललित आदित्य रिऑर्गेनाइज एंड इम्प्रूव द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वर्कलोड बढ़ता गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एरिया इनके अंडर आ गया। अकॉर्डिंगली इन्होंने 5 डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, 5 फंक्शनरीज। एक थे हाई चैम्बरलेन, जो इनके हाउसहोल्ड चीजें देखेंगे, जैसे कोई दरबार है इनके किंगडम में, ठीक है, कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, वो सारी चीजें। एक चीफ मिनिस्टर, एक मास्टर ऑफ हॉर्सेस, एक कीपर ऑफ ट्रेजरी एंड एक नॉट आइडेंटिफाइड, जो पता नहीं था बेसिकली किस डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, ये 5 डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए। क्या क्या नाम था? चैम्बरलेन थे आपके महाप्रतिहारा पिता, ठीक है, महासंधि विग्रह थे आपके चीफ मिनिस्टर, महास्वसाला थे आपके मास्टर ऑफ हॉर्सेस, एंड महाबंगदारा थे आपके कीपर ऑफ ट्रेजरी, एंड महासाधना भगा थे नॉट आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये पता नहीं था किस डिपार्टमेंट के। तो ऐसा आ सकता है ना कि किसी का नाम हो कि मिनिस्टर थे, किसकी रेन में थे। तो अगर आप कोई भी एरिया नहीं छोड़ना चाहते हैं हिस्ट्री का, क्योंकि यू नेवर नो किसे कंपोनेंट से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए, तो आपको हर सब्जेक्ट को ऐसे ही डीपली इन डेप्थ जो है वो पढ़ाई करनी होगी। एंड उसके लिए आपको मेरा पेड कोर्स बाय करना होगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड जो ऑफिस है इन 5 कर्मस्थनास के, दे टेकन टूगेदर वर कॉल्ड पंच महासभा। ठीक है, ये पूरे 5 को ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जो ओवरलुक करता है इस सबको, एंड उस डिपार्टमेंट का नाम था पंच महासभा। एंड जो पंच महासभा था, ये टाइटल मिला था उस ऑफिसर को जो इन 5ों ग्रुप्स को ओवरलुक करता। ठीक है, तो ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने कुछ वेलफेयर वर्क भी किया है, ये भी हमें देखना होगा। इन्होंने ड्रेन किया वाटर ऑफ ओवरफ्लोइंग महापद्मा लेक बाय मीन्स ऑफ सूटेबल चैनल्स एंड देयर बाय लेसन द डेंजर ऑफ फ्लड्स। तो ओवरफ्लोइंग रिवर था, उसको थोड़ा ड्रेन किया, एंड वो वाटर जो है वो वाटर व्हील से बाकी जगहों, इन्होंने बाकी गांवों में, विलेजेस में पानी पहुंचाया। ठीक है, तो वाटर व्हील्स जो है उसको किसने यूटिलाइज किया ओवरफ्लोइंग वाटर को चैनलाइज करने के लिए, वो आपको याद होना चाहिए ललित आदित्य मुक्तापिता ने। तो कल्हाना ने कहा ललित आदित्य ने एक डिस्ट्रीब्यूटरी अरेंजमेंट्स बनाई एट चक्रधारा एंड अदर कार्यवास फॉर लिफ्टिंग वाटर ऑफ रिवर वितस्ता एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटीज इन टू मेनी विलेजेस बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ वाटर व्हील्स। ठीक है,
तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी अरेंजमेंट्स इन्होंने चकदारा में बनाई एंड बाकी कार्यवाह जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। उससे इन्होंने क्या किया, वहां से इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटरी अरेंजमेंट से वाटर जो है वितस्ता का, जो आपका जेहलम का है, उसको लिफ्ट करके अलग अलग जगहों पे पहुंचाया यूजिंग वाटर व्हील्स। तो बेसिकली देखो, ये ट्रिब्यूटरी है, जब दो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं या कितनी ट्रिब्यूटरीज मिले, वो एक रिवर में जाती है, तो वो मिलके रिवर में जाती है। अब अगर रिवर जो है वो स्प्लिट होगा अलग चैनल्स में, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो इन्होंने वितस्ता जो है, फ्लोइंग वितस्ता, उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाए और थ्रू अ सीरीज ऑफ वाटर चैनल्स इन डिस्ट्रीब्यूटरीज को अलग अलग विलेजेस में पहुंचाया। तो पानी काफी इंपॉर्टेंट है, तो पानी इन्होंने अलग विलेजेस में पहुंचाया ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बना के थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर व्हील्स। तो वाटर व्हील्स कहाँ यूज हुई, ललित आदित्य मुक्तापिता के रेन में, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ही वॉज ऑल्सो ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उन्हें कुछ टाउन्स बनाए जैसे सुनिश्चित सुनिश्चिता पुत्रा, दर्पिता पुत्रा, फाला पुत्रा, परनोत्सा, लोकापुनिया एंड परेहासपुरा। इसमें परेहासपुरा का जो टाउन है जो अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ टेम्पल्स बनाए, विहारा स्टूपा, जो आपके बुद्धिस्ट जो है रिलीजन उससे रिलेटेड है, जो उनके टेम्पल्स होते हैं, ठीक है। एंड ही बिल्ट द टेम्पल ऑफ केशनो विष्णु इन दर्पिता पुत्रा, द टेम्पल ऑफ आदित्य एट ललिता पुत्रा, एंड द टेम्पल ऑफ मुक्तास्वामिन विष्णु इन पुष्कपुरा, एंड द शिवा टेम्पल ऑफ जयस्थारुद्रा नियर दी श्राइन ऑफ बुटेश्वरा एट बुटेश्वर। ऑल्दो ये प्रेजेंट अब सारे नहीं है, ठीक है, तो लेकिन आपको नाम पता होने चाहिए। अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन वो डीपली जाके पूछे, बिकॉज यू नेवर नो, SSB अपने स्टैंडर्ड्स भी बढ़ा रहा है। अभी आपने सुपरवाइजर एग्जाम में देखा होगा, अगर आपने अपेयर हुए हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। यू नेवर नो विद SSB, वो कभी कभी आपको UPSC के स्टैंडर्ड का भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड अभी हमने रिसेंट एग्जाम्स में देखा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है उनका ट्रेंड चल रहा है, तो हो सकता है आपको तीन स्टेटमेंट्स दी हो, चार स्टेटमेंट्स दी हो, और बोला ललित्य मुक्तापिता के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है, एंड किसी एक स्टेटमेंट में कोई टेम्पल मेंशन हो, यू नेवर नो, ठीक है। तो वाई टू टेक अ रिस्क, अगर आप सीरियस हो अपने करियर को लेके, इस एग्जाम को लेके, तो आपको ये पढ़ना है एंड इसको टाइमली रिवाइज करते रहना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स वर, एक तो परेहासपुरा जहां उन्होंने काफी श्राइन्स बनाई थी, एंड द अदर इज सन टेम्पल ऑफ मारतंडा, ठीक है, विच इज अनडाउटेडली द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कश्मीरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उनके टाइम पे जो बुद्धिस्ट थे जिनको एलिवेट किया गया था पोजिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर पे, उनका नाम क्या था, चंकुना, एंड अकॉर्डिंग टू कल्हाना ही एक्सटेंडेड हिज पेट्रोनेज टू भवभूति एंड वक्तपति राजा। ये कोर्ट पोएट्स थे इनके टाइम पे। वक्तपति राजा हमने अभी पढ़ा था, जो यशोवर्मन के टाइम पे भी थे, ठीक है, तो उन्होंने पेट्रोनेज उन्हें एक्सटेंड की, दैट मीन उनको काफी मानते थे, अपने कोर्ट में लेके भी आते थे, तो वो उनके कोर्ट पोएट्स थे। एक तो कोर्ट पोएट्स में भभूति मेन, उनका नाम याद रखोगे, एंड सेकंड जो कोर्ट ऑफ यशोवर्मन में भी प्रेजेंट थे, वक्तपति राजा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारी खत्म होती है करकोटा डायनेस्टी। अब हमें आगे पढ़नी है उत्पला एंड फिर लोहारा डायनेस्टी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अंडर लेटर करकोटाज। अब हमने ललित आदित्य मुक्तापिता का तो पढ़ा, लेकिन जो लेटर पीरियड था वो वीक रूलर्स आए थे, एंड कश्मीर वाज मार्क्ड बाय मिसरूल, डिस्ट्रेस एंड ऑपरेशन वगैरह, तो ये करकोटा आगे सस्टेन नहीं कर पाई थी। एंड क्या था, एक ट्राइब थी जिसको दमाराज बोलते हैं, उनसे उनको काफी डेंजर था, ठीक है, वो दमाराज भी रेगुलरली उनपे अटैक करते जाते थे। एंड इस केओस के चलते एक मिनिस्टर थे सूरा, वो मिनिस्टर थे अवंती वर्मन के, वो अवंती वर्मन थे ग्रैंडसन ऑफ पलाका के। बेसिकली जब करकोटास जो थे इनके लेटर वीक रूलर्स थे, तो करकोटास आ गया था अंडर द हैंड ऑफ फाइव ब्रदर्स, और उन फाइव ब्रदर्स में से एक ब्रदर थे उत्पलका। वो रॉयल लीनेज के नहीं थे, लेकिन करकोटा का कंट्रोल उन फाइव ब्रदर्स के पास आ गया था, क्योंकि वो करकोटा जो था वो किनके हाथों में आया था, वीक रूलर्स के हाथों में, ठीक है। तो जो उत्पलका के ग्रैंडसन थे अवंती वर्मन, उनके मिनिस्टर थे सूरा, तो अवंती वर्मन को उन्होंने थ्रोन पे बिठाया, सूरा ने, कश्मीर के थ्रोन पे, ठीक है। और ऐसे ही एस्टैब्लिश हुई उत्पला डायनेस्टी, एंड इट वाज एस्टैब्लिश बाय अवंती वर्मन, सेटिंग द स्टेज फॉर अ न्यू एरा इन कश्मीर हिस्ट्री। और वैसे ही आगे अब हम डिस्कस करेंगे उत्कपला डायनेस्टी, लेकिन ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। आई होप आपने इससे काफी सारी चीजें सीखी हो, तो आपको क्या करना है, आप इन सब चीजों को टाइमली रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम से पहले आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ,
और एग्जाम से पहले ये सारी चीजें आपको याद रहें, एग्जाम तक याद रहें। इसका बस एक ही सलूशन है कि आप बार बार ये सारी चीजें रिविजन इनका करते जाओ। तो टिल द टाइम मैं अपलोड न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आप मेरा फुल कोर्स लेना चाहते हैं, वो आपको सिर्फ 1000 रुपीज का मिलेगा, या 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पे जाना होगा, इन कोर्स को परचेज करना होगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। हाँ।